आज हम बात करेंगे जो उसका पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है और उसमें एक बेचारे मासूम की जान चली गई। सो लोग तो आम आवाम बेचारी मरती रहती है और यहाँ लोग जो हैं उनकी अपनी गेम्स चलती रहती हैं। तो अभी एक जिल्ले शाह नामी पॉलिटिकल वर्कर जो थे उनकी रिसेंटली डेथ हुई है और वो स्पेशल पर्सन थे और मासूम सा इंसान था जो दिन रात जमान पाक के चक्कर काटता था और उसकी एक ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इमरान खान से मिले और उसे खान साहब ने कभी उसकी ज़िंदगी में मिलने की ज़हमत नहीं की थी। मगर अब खान साहब के अगर आप वीडियो बयान देखें तो वो कह रहे हैं कि जी मैं उसकी 5 बजे सुबह आवाज़ें सुनता था। तो उस बेचारे की जान चली गई और अब उसकी जो उसके पीछे जो सारी आप कह लें कि एक स्पिन है वो पीटीआई एक अपनी दे रही है, गवर्नमेंट एक अपनी दे रही है। और पीटीआई की स्पिन ये है कि जी वो उसको पुलिस टॉर्चर के ज़रिए मारा गया, जबकि पुलिस की बिल्कुल स्टेटमेंट इससे बरक्स है। पुलिस ये कह रही है कि जी हमने मल्टीपल पीटीआई के वर्कर्स को अरेस्ट किया था और उनको ले जाके हमने फोर्ट्रेस के पास लाहौर में छोड़ दिया था। सो मीनवेल वहाँ इसकी किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ और वो अपेरेंटली जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी पीटीआई के एक लीडर की थी जिन्होंने उसे हॉस्पिटल पहुँचाकर और वहाँ से वो भाग गए और जिनको बाद में इन्होंने अरेस्ट कर लिया। उनके बयान भी आ रहे हैं जिधर वो कह रहे हैं कि जी इट वॉज एन एक्सीडेंट और इसको फिर हम इस तरह उधर छोड़ा था। तो ये बड़ा ही एक सस्पिशियस सा एक मामला है। अब ना जो कि गवर्नमेंट की बात पे पीटीआई यकीन कर रही है ना उनके सपोर्टर्स, और दूसरी तरफ इसी तरह के सब कुछ उंगलियाँ लोग पीटीआई की तरफ उठा रहे हैं कि सब स्टेज किया गया या सब इंटेंशनल था। तो अब यानी कि सारे खेल के अंदर क्या है कि इसको भी आप अगर लाहौर में बाहर निकले तो आप जमान पाक के इर्द गिर्द की जाने की कोशिश करें, लोग हर रोज़ बीसियों लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं, बीसियों नहीं हज़ारों लाखों लोग सड़क इस्तेमाल करते हैं, हर एक को एक मुश्किल पड़ी हुई है। इस तरह पहले भी एक रिपोर्टर थी बेचारी जो पीटीआई की रैली में टायर के नीचे आकर फौत हो गई, इसी तरह एक बेचारा जब खान साहब पर हमला हुआ था तो उसमें भी एक इनोसेंट बाईस्टैंडर वहाँ वो कत्ल हो गया था और उसके बाद उसके बच्चे सब उसे छोड़कर भाग गए और उसके छोटे छोटे बेटे उसके साथ उधर खड़े थे बे यारो मददगार। तो इतना ही अनफॉर्चुनेट हो गया कि लोगों की इधर ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है और कुछ देर थोड़ा बहुत शोर मचता है उसके बाद वो चीज़ डाई डाउन कर जाती है। तो अब इस अमर की ज़रूरत है कि इसकी एक इम्पार्शल एक उसकी इंक्वायरी की जाए और उसके अंदर चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो उसमें सारे ऐसे उसके मेंबर्स हों जिसपे कोई क्वेश्चन ना कर सके, चाहे वो उसमें ह्यूमन राइट वॉच या किसी एमनेस्टी इंटरनेशनल या किसी भी ऐसे अदारे के लोग आए जिस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें। और फिर जो उसके कल्प्रिट हैं कि जिन्होंने अगर झूठ बोला या अगर कोई किसी ने गलत बयानी की, चाहे किसी डिपार्टमेंट ने भी या किसी इंडिविजुअल ने भी या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी, तो फिर उसको वाकई एक उसको करार वाकई सजा दी जाए और एक्सपोज हो। इस तरह जो फेक न्यूज़ का फैलाव है बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये इस मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि हर कोई लाशों को कैश कराने की कोशिश करता है और ये चीज़ एक अच्छा नहीं है। और फेक न्यूज़ फैलाई जाती है ये अमर भी अच्छा नहीं है और ये फिर आगे से और इस फितने को बढ़ा के लेके जाता है। फिर हम जो अगली बात करेंगे वो अब इस मुल्क की जो डूबती इकॉनमी है उसकी। अभी तक IMF की कोई एज सच कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और वो कंटिन्यूसली लिंगर ऑन करी जा रहे हैं। इसहाक डार साहब ने भी रिसेंटली कहा है कि जिसकी वजह ये है कि उनका इतमाद का फुकदान है जो पिछली गवर्नमेंट ने जॉन साहिब के साथ माहिदा करके तोड़ा था, तो इसलिए नाउ देयर अब इस वक्त IMF हम पे तबार करने को तैयार नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट है। बट उनके साथ माजरत के साथ कि जब मिफ्ता इस्माइल ने IMF से इसी जो है PDM की गवर्नमेंट इसने जब मिफ्ता इस्माइल ने एग्रीमेंट किया था तो फिर ये माशाल्लाह इसहाक डार साहब ने उस माहिदे को भी तोड़ा था। तो ये भी एक आपके आगे यानी कि आधी बात करते हैं आधी बात छुपाते हैं। तो अब IMF ऑफ कोर्स अगर वो नहीं विलिंग है ट्रस्ट करने के लिए, जो आप किसी भी अदारे के ऊपर आप कह सकते हैं कि जो वाकई ही आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी जो बार बार आप लोग माहदे तोड़ेंगे, ना सिर्फ PTA ने तोड़ा बल्कि इतिहादी गवर्नमेंट ने भी तोड़ा, तो फिर आप क्या करेंगे। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि हर रोज़ किसी दिन पता चलता है कि जी एग्रीमेंट नहीं हो रहा, ज़्यादा ही जब र्यूमर पहुँचती है तो डॉलर मजीद ऊपर चला जाता है और स्टॉक मार्केट गिर जाती है, जब उम्मीद लगने लगती है तो फिर रुपये थोड़ा स्टेबलाइज होता है।
तो इन इन्वायरमेंट के अंदर ना तो आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही आप कोई बिजनेस सेंटिमेंट को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसी सिलसिले में कुछ अपेरेंटली खबरें आ रही हैं कि कुछ हमारे बिजनेस कम्युनिटी जाके आर्मी चीफ को मिली है और फिर आर्मी चीफ ने इनवाइट किया इसहाक डार साहब को और वहाँ इन्होंने मिल बैठ कर बताया कि जी ये मुश्किल वक्त गुजर गया है और अब आगे हालात बेहतर होंगे, मगर अब उसके ऑन ग्राउंड अभी तक कोई हम देख नहीं रहे हैं ऐसी चीज़ कि IMF से एग्रीमेंट हो या हमें जौन से है वो बाहर के जो हमारे दोस्त मुबालिक हैं वो पैसे दें। अब आप मुल्कों का देख लें कि मुल्क किस तरह चलते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एक एग्रीमेंट आया है सऊदी अरब ईरान का और वो इतने ज़बरदस्त दुश्मन हैं एक दूसरे के कि ईरान उधर आपको पता है कि कुछ मिसाइल हमले भी हुए थे सऊदी अरब में उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर जो अपेरेंटली ईरानियों ने किए थे ड्रोन्स के ज़रिए, या फिर उनके जो यमन में उनके एलाइज हैं, ज़ाहिर है अब जो हूती हैं यमन में जो लड़ रहे हैं वो इतने उनके पास उतने ऐसे ड्रोन्स और ऐसे मिसाइल्स तो नहीं आ सकते बगैर किसी आउटसाइड हेल्प के। सो वहाँ हमले तक हुए सपोर्टेड बाय ईरान एज पीपल से, बट अब सऊदी अरब ने उनसे एक अग्रीमेंट किया है जहाँ वो अभी उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया कि जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर कर रहे हैं। तो मुल्कों को तो इतना इस हद तक भी वो अपने एग्रीमेंट करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम अपने कोई मुफाद का तहफ़ नहीं कर सकते और अभी तक हमारी ऑपोजिशन और हमारी गवर्नमेंट और जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है वो अभी तक आपस में एक हिजान की कैफियत है जिससे जो है मुल्क की इकॉनमी तबाह हो रही है और लोगों पे जो है महंगाई का तूफान आई जा रहा है। अब इस साल भी हमने जो हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट है जो हमने सूद देना है वो 5 ट्रिलियन 5 खरब क्रॉस कर जाएगा और हमारी हार्डली जो FBR की महसूलात हैं वो 8 खरब हैं, चले 9 खरब हो जाएगी। तो 9 खरब में से आधे से ज़्यादा पैसे तो आपने इंटरेस्ट पेमेंट में दे देने हैं, तो आप हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाएगी फिर? अभी आपका डिफेंस बजट है, आपका गवर्नमेंट के अपनी मशीनरी का एक बजट है, तो ये हुकूमत अब चलाना कोई इतना आसान काम नहीं होएगा। और ये एक पॉलिसी फेलियर है जो ना सिर्फ इस गवर्नमेंट का था, इससे PTI गवर्नमेंट का था, बल्कि उसका पीछे से पीछे जाते जाएँ, यानी कि आप मुशर्रफ दौर से लेना शुरू करें या उससे भी पीछे जाते जाएँ। खैर पाकिस्तान जब से बना है कोई एक ऐसी पॉलिसी नहीं आई जिससे इस मुल्क को भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट आया हो। तो अगर कोई इसको इस मुल्क में कोई पॉलिसी ठीक करने की कोशिश करता है, मसलन प्राइवेटाइजेशन ने आपकी इसकी की थी स्टील मिल की, तो उसको आपको कोर्ट ने सू मोटर लेके कैंसिल कर दिया, जिसके बाद जाहिर है वो पूरा प्राइवेटाइजेशन का अमल ही तबाह बर्बाद हो गया और वो भी 400-500 अरब साल का एक हुकूमत के ऊपर एक एडिशनल बोझ है जो अब तक चलता आ रहा है, तो ये फिर मुल्क कैसे चलेगा? तो इसको हम बारहा इस प्लेटफॉर्म पे हम कह चुके हैं कि सब अदारों को मिलकर बैठकर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इस मुल्क ने किस तरफ जाना है। और इस मुल्क की जो अब पॉपुलेशन है इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड, और ये जो आपका जो मुल्क है पूरी दुनिया का जो हमारे पास लैंड मास है, पाकिस्तान 0.8 से 0.9 के दरमियान हमारे पास लैंड मास है, जबकि जो हमारी पॉपुलेशन है हमारी जो आबादी है वो पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 3% है। सो हमारा लैंड बड़ी स्ट्रेस में है इस वक्त। अगर आप देखें तो हमारी हम अपने लिए फूड तक नहीं प्रोड्यूस कर सकते जितनी इस आवाम को ज़रूरत है। हम मतलब गंदम जो बेसिक स्टेपल है आपका जिसे सारे रोटी खाते हैं वो भी हम वीट इम्पोर्ट कर रहे हैं और अभी रशिया से इम्पोर्ट ग्वादर आया है। इस फिर इस सारी आवाम को जो एनर्जी चाहिए, बिजली का कह लें, गाड़ी के लिए फ्यूल चाहिए, गैस चाहिए, अब वो भी ना हम सुई गैस अपनी पूरी कर सकते हैं, ना हम अपनी पेट्रोलियम की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, अब हम गैस भी इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और जितने हमारे पावर प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बेस्ड हैं, जिसके अंदर आपका फर्नेस ऑयल पर भी कई दफ़ा चलाते हैं, LNG पर भी चलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं और इस पॉपुलेशन को हमने देना पड़ता है। तो ऑलरेडी हमारी लैंड एक स्ट्रेस्ड है, तो हम कहाँ से, अगर आपने खाना इंपोर्ट करना है, अगर आपने एनर्जी इंपोर्ट करनी है, फ्यूल आपने इंपोर्ट करना है, बिजली आपकी इंपोर्टेड चीज़ों पे चल रही है, तो उसके बदले आपने कुछ एक्सपोर्ट भी तो करना है ताकि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट ना रहे कि जितनी आप इम्पोर्ट करें एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई बैलेंस होना चाहिए, जो हमारा बिल्कुल बैलेंस नहीं है। इस वक्त हमने अगले साल 35 अरब हमें चाहिए होंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, $35 अरब जो हमने सिर्फ ब्रिज करना है कि जो हमने कर्जे वापस करने हैं, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ़र्क है, हमें $35 अरब के मज़ीद कर्जे चाहिए होंगे। तो अब ये कि एक आधी रात में सॉल्व होने वाले मसले नहीं है। अब आप एनर्जी सेक्टर को ले लें, एक कॉन्स्टेंट फेलियर है हर गवर्नमेंट का
कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एक बड़ी यार्डस्टिक बनाई थी कि 13% से ज़्यादा लाइन लॉसेज नहीं होने चाहिए। 13% जो लाइन लॉसेज हैं वो सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक है, वो बेरली उससे थोड़ा सा नीचे है। बाकी कोई अब तक जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो अपने लाइन लॉसेज नहीं कंट्रोल कर सकी, यानी कि बिजली चोरी नहीं रोक सकी, अगर आप आम लफ्ज़ों में गए। अब आप ये इंडिया के अंदर देख लें तो दिल्ली के अंदर सन अर्ली 2000s में 52% लाइन लॉसेज थे। उन्होंने उन कंपनियों को प्राइवेटाइज करना शुरू किया और इस वक्त जो उनसे दिल्ली के अंदर लाइन लॉसेज हैं वो 7% है। तो आप इधर देख लें कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी क्या चेंज की, कोई नहीं चेंज की। अब होता क्या, बिजली चोरी होती है और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, और एंड के ऊपर होता क्या है कि सारा का सारा जो बजट है, जो उसका जो खमियाजा है, वो अवाम को भुगतना पड़ता है। और अब उसमें अवाम सिर्फ ये नहीं कर रहे कि आपका सरकुलर डेट बढ़ रहा है तो उसके ऊपर सूद भी अवाम दे रही है। तो आप कब तक अपनी इन पॉलिसीज़ को बरकरार रखेंगे, जहां आप बिजली चोरी काबू कर सके फिर आप सब्सिडीज़ देते हैं इंडस्ट्री को, तो और बिजली की जो लागत है वो ज़्यादा है, जो आप बेच रहे हैं वो कम है, तो पाकिस्तान के पास पैसे कहाँ हैं चीज़ें फाइनेंस करने के लिए। इसी तरह हमारी जो गैस की पॉलिसी थी वो आप देखें कितना बड़ा फेलियर था, कि मुशर्रफ ने गाड़ियों में CNG लगा दी और जो हमने गैस थी वो सारी जला दी, कि जी आपकी लोग 200 रुपये में ज़माने में टैंक भरते थे CNG का, पूरा दिन गाड़ी घुमाते थे, तो और क्या उसे प्रोडक्टिव चीज़ आपने हासिल की, कुछ भी नहीं। एंड पे गैस ख़त्म हो गई और अब हम बैठे हैं बेआरओ मददगार। तो एक बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर है, और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, एटलीस्ट मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा कि जी ये हम कैसे बिजली के सेक्टर को रिफॉर्म करेंगे, हम कैसे गैस के सेक्टर को हम रिफॉर्म करेंगे, हम कौन सी ऐसी इकोनॉमिक आपकी पॉलिसीज लेकर आएंगे कि जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, जिससे हमारी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो। अब आप एक्सपोर्ट में भी देख लें कि हम अब एक्सपोर्ट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा टेक्सटाइल करते हैं, या कुछ हमारे सियालकोट के कुछ भाई हैं इनोवेटर्स के, जिन्होंने आप कह लें इनोवेट उसमें खरीदती इनोवेशन नहीं, बेसिक चीज़ें फुटबॉल हाथ से सिलाई करके, और जो इन टेक्सटाइल में भी इम्पोर्ट करते हैं बड़ी कोई हाई एंड टेक्सटाइल नहीं है। हम आयदर तो बिल्कुल ही लो कॉस्ट अनब्रांडेड बाहर के वो होती हैं आपकी सस्ती चेन्स होती हैं जिनके लिए हम यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, या एट वेरी बेस्ट हम थोड़ी बहुत कोई जो मिड टायर की ब्रांड्स हैं, जिस तरह लिवाय है, जिस तरह गैप है, इस तरह की हम जो कंपनीज हैं उनके लिए हम अपेरल प्रोड्यूस करते हैं। बट आप देखें कोई हाई वैल्यू हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, कोई हम मोबाइल फ़ोन इधर नहीं बनाते हैं, हम इधर कोई गाड़ियां नहीं बना के बाहर बेचते हैं, कोई हम इधर लैपटॉप बना के नहीं बाहर बेचते हैं, ये सारे मुल्क कर रहे हैं। और जो मुल्क तरक्की पज़ीर कर रहे हैं, इंडिया में आईफोन की फैक्ट्री लग रही है, तो कोई वैल्यू एडेड हम चीज़ नहीं कर रहे। तो क्या अब हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, टेक्सटाइल, और वो भी किस तरह एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट रिबेट दे तो फिर वो कंपेटिटिव होते हैं, उन्हें बिजली सस्ती दे अपनी लागत से सस्ती पर, गवर्नमेंट बिजली दे, गवर्नमेंट रिबेट दे और फिर बाहर कोटा सिस्टम पे वो एक्सपोर्ट करें। अब जबकि इसकी बनस्बत अगर आप देखें कोई इनोवेटिव चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहता है, कोई नई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहता है, गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि उसको कैसे इंसेंटिवाइज करना है। हमारे पास इतनी हमारी तेज़ी से बढ़ती पॉपुलेशन है, एक ये हमारे रिसोर्सेज पे एक ड्रेन है, हमें स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, एनर्जी चाहिए, उनके लिए खाना चाहिए, जो सब इम्पोर्टेड है, मगर आप उनको सिखा कर रहे, यानी कि आप देख लें किसी भी पंचर की दुकान के ऊपर हम कहते हैं जी बहुत दिमाग है, कोई भी पंचर की मैकेनिक की दुकान पर एक बच्चा होगा 10 साल का नहायत ज़हीन होएगा, मगर क्योंकि उसको स्कूलिंग नहीं मिल सकी, उसको प्रॉपर उसकी स्किल डेवलपमेंट नहीं मिल सकी, हमें पता नहीं कि अगला बिल गेट्स का यही ना हो। तो ये हम लोगों को नहीं पता कि अब हम कितने इस तरह के बिल गेट्स, कितने इधर के स्टीव जॉब्स इस मुल्क की सड़कों पर रुल रहे हैं। तो कोई पॉलिसी नहीं है और कोई किसी के पास नहीं, तो हमारे लोग लड़ रहे हैं, जो अब डीप बात करेंगे नहीं, तो ये दहाइयों के ऊपर बात रहेगी। हमें झूठे ख्वाब दिखाते हैं कि जी हम आएंगे रातों रात ये चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी, रातों रात नहीं होना। तो इसी तरह हमारी अब यही दुआ है कि और इन मुख्तदर हलकों से इल्तजा है कि ये इस मुल्क को एक डायरेक्शन पे एक लेकर आए, कोई सही पॉलिसी बनाएं जिससे मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।